आठ देखिए, आठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन निकालना है एक्स स्क्वायर बटा में रूट अंडर एक्स का पावर 6 और प्लस ए का पावर 6 एक्स के रेस्पेक्ट में। चलिए मैं एक काम करता हूँ, नीचे स्क्वायर का फॉर्म बदलूंगा ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स के पावर 6 जगह पे एक्स क्यूब का स्क्वायर और प्लस ए क्यूब का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पुट कर दूंगा एक्स क्यूब को टी और डिफ्रेंसिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर बराबर में dt बटा में dx। यहां से x स्क्वायर dx क्या आ जाएगा dt बटा में 3, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखिए, वो ऊपर 1 बचेगा और यहां आ जाएगा x स्क्वायर dx जो होगा dt बटा में 3 और नीचे आपका रूट अंडर ये क्या है हमने t माना है तो t का स्क्वायर और प्लस में a क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां फॉर्मूला इसका लगा देते हैं, ये कांस्टेंट बाहर पहले निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बटा में रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस में ए क्यूब का होल स्क्वायर, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो क्या हो जाएगा यहां से इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/3 लॉग टी प्लस में रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस में ए क्यूब का स्क्वायर और प्लस में सी। अब t क्या वैल्यू रख देते हैं 1/3 log t क्या वैल्यू है x क्यूब ना, x क्यूब प्लस अंदर x क्यूब करेंगे और पावर में 2 है तो x का पावर 6 में डायरेक्ट नहीं लिख दो और यहाँ a का पावर 6 ही हो जाएगा और प्लस में c, ये आपका आंसर आ गया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन।